वेलकम टू आर न्यू वीडियो। सो आज हम देखने वाले हैं 2BHK का होम टूर। सो बेसिकली यहाँ पे अभी सब सिविल वर्क हो रहा है। सो आप देख सकते हो वीडियो में आगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का वर्क ऑलरेडी हुआ है। सो जो भी पॉन्ड शिफ्टिंग होता है या भी ऊपर जो भी वायरिंग हुआ है, सो यहाँ पे वो हो गए एंड सिविल वर्क अभी चालू है। सो इस घर के बारे में अगर मैं बात करूँ, मतलब ये जो क्लाइंट है, सो उनको बेसिकली जो कंटेम्प्ररी टच है, जो अभी हम लोग जैसे देखते हैं वॉल पैनलिंग्स बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, वैसे ही जो कलर्स, कुछ कलर्स ट्रेंडिंग में, जैसे कि ग्रे एंड नेवी ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन या फिर उसके साथ वाइट कलर का कॉम्बिनेशन, सो वही कुछ टच हम लोग को इस घर में लाना है। सो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे कंटेम्प्ररी स्टाइल को कंसिडर किया है पूरे ओवरऑल लुक के लिए। सो यहाँ पे अभी मैं लिविंग रूम में खड़ी हूँ। सो जैसे ही एंटर करते हैं आप देख सकते हो ये जो वॉल है, यहाँ पे शूरैक आने वाला है। सो शूरैक एंड सम एक्सेंट मिरर जस्ट टू हाईलाइट द वॉल, और उसी के साथ ये जो कंप्लीट बिग वॉल दिख रहा है, कंप्लीट जो लिविंग रूम का सबसे बड़ा वॉल, सो यहाँ पे हम लोग मोल्डिंग्स करने वाले हैं। सो मोल्डिंग्स किस तरह से आएंगे या फिर कौन से कलर पैटर्न्स कहाँ पे कौन सा कलर आएगा, वो तो सब बाद में देखेंगे। एज ऑफ नाउ ये वॉल सिर्फ डेडिकेटेड है मोल्डिंग्स के लिए। यहाँ पे कंप्लीट सोफा सिटिंग आने वाला है एंड दिस एंटायर वॉल इज़ फॉर टीवी यूनिट। टीवी यूनिट पूरा वॉल पे नहीं आएगा, बट जस्ट फॉर टीवी यूनिट ये वॉल एंटायरली हम लोग ने डेडिकेट किया। सो जैसे ही लिविंग रूम ख़त्म होता है तो यहाँ से किचन का एंट्री है। नाउ यू कैन सी दिस एंटायर सिविल वॉल। सो ये हम लोग ने अभी कंस्ट्रक्ट किया है बिकॉज जो प्रीवियस किचन का ओपनिंग था वो यहाँ से था, और हम लोग ने उस ओपनिंग को अभी यहाँ पे शिफ्ट किया है। सो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन हुआ है एंड दिस एंटायर वॉल इज़ फॉर मेन काउंटर। सो यहाँ पे कोई पैरेलल काउंटर या एल शेप किचन ऐसा नहीं बनने वाला है। सो यहाँ पे एक सिंगल प्लेटफॉर्म आने वाला है जहाँ पे हॉब यहाँ पे रहेगा, वहाँ पे वाटर प्योरीफायर एंड सिंक का प्रोविजन दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो ये एक काफ़ी जो स्पेशियस कह सकते हैं या फिर जो भी यूटिलिटी वाइज जो सर्कुलेशन स्पेस है वो यहाँ पे प्रॉपर है, बट देन टू यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टोरेज नहीं करना है। जो भी नीचे काउंटर के नीचे स्टोरेज आएगा और ये ऊपर लॉफ्ट के ऊपर आप देख सकते हो ये हम लोग स्टोरेज स्पेस में लेने वाले। सो या दैट्स इट इन किचन। नाउ हम लोग जाएंगे मास्टर बेडरूम। सो अभी देख सकते हो यहाँ पे फ्रेमिंग हो चुका है डोर का। जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ से वार्डरोब स्टार्ट होता है, तो आप एलिवेशन में देख सकते हो यहाँ पे हम लोग ने 6 फीट का वार्डरोब लिया है, और ऊपर जो लॉफ्ट का एक्सटेंशन है वो भी टिल 6 फीट ही हम लोग ने कंसिडर किया है, और लॉफ्ट को हम लोग ने वहाँ तक नहीं लिया है। सो उसी के साथ ये कॉलम आप देख सकते हो, कॉलम के साइड से ही बेड और साइड टेबल स्टार्ट होता है एंड दिस वॉल इज़ कम्प्लीटली फॉर ड्रेसिंग टेबल एंड जो भी नीचे का स्टोरेज होगा। एज ऑफ नाउ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेस है, लेकिन आप एलिवेशन में देख सकते हो ये एक प्रॉपरली प्लान्ड जो भी पोजिशन है जिसका सर्कुलेशन बाद में हो सकता है, तो ये परफेक्ट यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ ये जो वॉल आप देख रहे हो यहाँ पे कोई भी फर्नीचर आइटम नहीं है। सो बेसिकली आगे जाके वो पेंट में कोई पैटर्न में यहाँ पे हम लोग प्ले करेंगे ताकि वो एंटायर बेडरूम का लुक यहाँ पे आ सके। वॉशरूम में आप देख सकते हो प्लम्बिंग का काम अभी चालू है कंसील का। सो वो उस मतलब जो भी सिविल का काम चालू है उसके साथ प्लम्बिंग भी चालू है, देन टाइलिंग होगा। सो येस वी हैव लॉट ऑफ स्टफ टू सी इन फ्यूचर। सो दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग बिकॉज जैसे मैंने कहा कि हम लोग ने ये जो वॉल है वो कंस्ट्रक्ट किया क्योंकि यहाँ पे पहले किचन का एंट्रेंस था, बट जैसे आप देख सकते हो पूरे घर में जो बीम है वो ऊपर ऊपर, मतलब जो बीम का हाइट है वो बहुत कम है, विच इज़ लाइक 1 फीट और 14 इंच।
सो उसी वजह से दोनों भी लिविंग रूम का जो डोर का ओपनिंग है वो इतना ज़्यादा बड़ा है, और उसी के साथ कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग ने यहाँ पे एक निश क्रिएट किए। सो यू कैन सी दिस इज़ जस्ट 1 inch डीप निश जो कॉम्प्लीमेंट करे जो भी हम लोग मोल्डिंग लेंगे या फिर जो भी कंटेम्प्रेरी स्टाइल हम लोग को फॉलो करना है उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग ने एक निश क्रिएट किया है। आर्च में आप देख सकते हो पैटर्न, और इसको भी बाद में पेंट में फिनिश करना है या फिर कोई पैटर्न आएगा वो तो हम लोग आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। सो यस, अभी जो पीछे वाला रूम है उसमें एज सच कुछ फर्नीचर नहीं है, वहाँ पे जस्ट स्टडी एरिया क्रिएट होने वाला है और इन फ्यूचर उसको गेस्ट बेडरूम किया जाएगा। सो उसी के साथ हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाउडर रूम। सो आप देख सकते हो पाउडर रूम में ऑलमोस्ट प्लम्बिंग का काम हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे बेसिन आने वाला है, सो उसके पाइप्स, ये जो है वो बेसिकली शावर यूनिट है कंप्लीट, सो यहाँ पे डायवर्टर लगने वाला है, उस हिसाब से उसका कंसीलिंग हुआ है। नाउ यू कैन सी दिस प्लम्बिंग, दिस पाइप्स जो है पर्टिकुलरली वाटर टैंक से, उसी का एक्सटेंशन आप देख सकते हो हम लोग ने किचन में लिया है, तो पूरा एंड टू एंड पाइप्स रन हो रहा है। और वहाँ पे एंगल कॉक का प्रोविजन देखे, मतलब ऑब्वियसली वो गीजर के लिए वहाँ पे प्लेस आने वाला है। सो यस, जो प्लम्बिंग का काम है वो यहाँ पे हुआ है, बट ये सिविल का मतलब जो भी फ्लोरिंग वर्क है वो अभी होना बाकी है। सो दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल टूर, जो भी यहाँ पे सिविल का काम चालू है या फिर प्लम्बिंग हो, इलेक्ट्रिकल हो, सो अभी ये चालू है, उसके बाद जैसे जैसे फिनिश होता रहेगा हम लोग आपको उसके बारे में अपडेट कर रहेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड।